हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। कर्ज कलेजे दर्द, जिसके कर्ज हो जाए कलेजे का दर्द बन जाए, राम करे कर्ज क्यों न ले। कर्ज कलेजे दर्द, उर्व खोया हुआ राजकुमार। कर्ज कलेजे दर्द, उर्व खोया हुआ राजकुमार। एक पटेल का मकान था जो कि बहुत गरीब थे। एक भाई का नाम बुद्धू, एक भाई का नाम सुद्धू। उनके माँ बाप जब बड़के बटौना शादी कर दें बुद्धू का, छोड़ के शादी ना आए भाई रही। जब दुल्हनिया आई तो बहुत गरीबी दबाई है। एक भाई सुन कोराबत रहा 6 महीना का, लेन देखा बचाई अपने भौजी का, तुहू दोनों मिला काम धाम करे भैंस खियाया। हम जाते ही परदेश तुहार ब्याह करे, कर्जा बहुत हो गया बाट रही। कहें ठीक आए भैया ऊ जा। जब गैन काम धाम लाग तो काम कितना लाग, 1000 कपड़ा ओढ़ना अलावा, खाना पीना अलावा। जब करीब 15 रोज हो गया चिट्ठी भेज दें तो उनका मेहराऊ रहा 8वां पढ़ी रहा है और उजमन भैया रहा एक कौन ना पढ़े रहा। तब भैया के पास चिट्ठी आज भैया कह कैसी पढ़ाई, कहन कावा छोड़काऊ, कहन भैया चिट्ठी भेज जाए हम कर लिया। तब पढ़ी तब कहन की हाँ बड़ी खुशी की बात, हमार मन से 1000 का महीना पाए, आज करीब 15 रोज काम करत हो गया, हमारा गरीबी दूर हो जाए हमका उम्मीद है। तो जब 15 रोज बीता ओकरे बाद 25 रोज बीता तो कहा दिया है दुल्हन, कहा दिया हे देवर, कहन का भौजऊ, कहन हमका नैहरे पहुँचाई देता है। कहन भैया समझाए गए हैं कि तुहार भौजी नैहरे न जाए पावे, आ तुहू कहूँ डोले टहरा दिन समझ बूझ के रह। तो देवरवा कहा हम बताए दे भौजी, तो कहा कन्हैया लाल राम श्रोण भैया देवरवा कहा था अपनी भौजी से, अरे तोरे पायल के भुगुरवा बजाई दे भाई नहीं हरे न जाई दे। कहा था हो ऐसन बात ना कह, कहें तू कहे बउरानी हा नैहरे जाती हाते रोका तही जिन जा मरे कहते हम कहा चूतिया ना भैया बिगड़ जाई है। तो भौजऊ कहा थी हाँ एक बात और सुन ले झड़कू, अरे चिट्ठी दई के तोहरे भैया का बोलवाई ले गई। अगर हमका ऐसे खबर ना तो चिट्ठी दे के तोहरे भैया का बोलवाई ले बात सब बताई दे। चिट्ठी दई के तोहरे भैया के बुलवाई दे भाई बात सब बताई दे। अरे हे छुड़काऊ, अगर ऐसन बात करबे हमारे पहलवा घुघरुआ बजाऊबे ना, हम तोरे भैया के बुलवाई दे भाई, कहे हम पढ़ी लिखी आई चिट्ठी हुआ वो चिट्ठी हम रखे ही, हम वही पता से संभल हम बुलवाई लेब ना, तो तोहार हम उतर जाए संभल ला। कहा कहा था हमारे भैया का बोलबू बात मन से बताइबू, हमारे भैया का बोलबू बात मन से बताइबू, हमारे भैया के बात मन से बताइबू बात मन से।
जान परत बा हमका जान परत बा लाठी चलवाई देबू हमका जान परत बा लाठी चलवाई तोरे गोड़े गिर गई मोर भौजी हो जिन बोलवाबा नहीं भैया नहीं दलगायु दे मरबौ करी हम काहे न हो भाई हमरे भैया के बियाह होई जे हमार बियाह हो नान भमसे चमसई पर रह जा भाई कहन तब कहन मोर भौजी तोसे हाथ जोड़ तई भैया के जे बोलवाबा तोरे गोड़े गिर तई देवरवा देवरवा ऐसे भाराई पर बेचारा गोड़े काहे भरे अगर भैया चला आई काम धाम लगा भो गड़बड़ाई जाए हड़ल गौजी हो जाए हम मारो जाप यहाँ नाते कहा था हाथ जोड़ करूं मैं आज तुल्ला हमारी बड़की भौजी ए तुल्ला हमारी बड़की भौजी तुल्ला हमारी ए तुल्ला हमारी बड़की भौजी तुल्ला हमारी बड़की भौजी राम खिलावन का कैसी करवाई दे अरे राधा मौसी ये देखो तुम्हारे लिए हम का लेकर आए हैं अरे वाह कैसिट अरे मौसी गंगा कैसिट बोलो इमा का है इमा है भोजपुरी गाना अरे वाह भोजपुरी गाना तो हमका बहुत पसंद बा पहले वाली बात जाए थी पहले खड़ा हो जात रहे अब बहुत कमजोर आई गई इन्हें गठिया बतासा पकड़ बतासा खड़ा बतास अच्छा चला खड़ा हुआ के खड़ा करे हम और के कौने हाथे दोनों हाथे तब तक खड़ा ही हो गया खड़ा हुआ बना खड़ा की अच्छा ना खड़ा ही ना हो पौते खड़ा मार और मार हाथ उसे मरवाओ लतवा से मार सारी बिटिहली की सारी गलती अनगल मारा थमका है कहा था ही ना खड़ा हो पाओ जबरदस्ती खड़ा कर दिया कहा था ही हम ना खड़ा हो पाओ जबरदस्ती खड़ा करो तनो तहुने को खड़ा करके बुआ लड़ जा अपने तो लड़ गया इधर खेल दे बताता हूं देख ले पंचाऊ मरबा कर जब रोवे लगे तो और मारा था सारी गलती एक हमार कौनो गलती ना ने रोका था जी खड़ा कर जी खड़ा कर यही कबीले हुआ यहाँ बिला जा खड़ा कर देवा तब जब खड़ा करके लड़ जा देवा तू तो बिगड़ जा तू ए हमके तू बना अपने अम्मत बता जब तुम देखना है अपनी अम्मत बता देबू हाँ। आस न तो काम छूगा नाम थी तोहसी कौनो मतलब बा जानू हम जाते ही अपने घरे जा जा तो हवाई का जाते ना हाँ रे हाँ जाते ना रे हे देखो हम कर रियावत बहु देखे हम कर रियावत अरे 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 कैसे भाई यहाँ कहीं रे जाई जा जाते ना अब हम उपन कर जी आया बोलावा ना आधा गया ही अच्छा आवा अपने अम्मा से ना बताओ अपने अम्मा से बताओ नहीं न बुलाए होते तो हम कुल चला जाए अच्छा अब कुल जाए तो हम लोग उपन कर इतना हम गोसाई तो ही समझ लियो अच्छा अच्छा अपने अम्मा से ना बताओ नहीं आज हमार तो हर सुन ही हम चाहे जमन करी हाँ। अरे रजा
काहे मरे बुलवाए हा चेता बिना बुलाया जितना जने आई हां दिलदार बेचारे एक कई मेहरारू देखा खीस बाए देखा ई थाना के बगले बेचारा रहा तो बड़ा बढ़िया मने तनी खूब बड़ सेवा सेवा कई दे जितना जने आई हां राम सिंह पटेल जो आए हम मछली साहब है ना ये तोहर का लागे पता नहीं हमारे भैया ला गए देख राम स्टार्ट होने जा रहा है और बाबूजी आप बैठ जाइए नहीं अपना थोड़ा परिचय दीजिए कि आप क्या काम करते हैं फाल। जे बता आज दरबार में लेट क्यों आया बोल बाबू साहब तुझे वेतन नहीं मिलती वेतन मिलती है क्यों बे गंदी नाली के कीड़े हाँ बाबू तुम दरबार नहीं मजाक बना रखा है अगर मुंह खुला ना तो सोच लो क्या होगा मैं लेट हो गया जरूर लेट हो गया क्या लेट हुआ बाहर जाइए मैं जा रहा हूँ जोड़ने से काम नहीं होने वाला है हम जितना पूछता है तुम्हें उतना जवाब देना पड़ेगा चल पहली बात आप क्या छुट्टी नहीं मिलती साथ इफाकन मुमकिन मैं छुट्टी पाया घर गया जब घरे गए बाबू साहब हमार मेहरारू कहत रहे कहे लेट होता है नौकरी मिले मुश्किल है घूस देने पर भी नौकरी नहीं मिल रही तुम लेट हो रहे हो वाह हमने कहा तब तो तुम्हारी जरूरत नहीं है हाँ। तब तो वो तेरी जरूरत नहीं वो लक्ष्मी है लक्ष्मी भी लक्ष्मी नहीं देख वो घर वो लक्ष्मी नहीं है तो वो लक्ष्मी की बहन है अगर चुबा लुक मत की ना तो नोच कर फेंक दूंगा बोल दरबार में लेट क्यों आया तो बाबू साहब तो हम रात बितावे वाला रहे रात नहीं बिताए हम भागे फिर हम कहे दरबार में लेट होता है आए अपने कहला चौराहा पहुंचे बाबू साहब देखे देखी हाथी वहीं बैठी रहाई हम कहे लोगों से हमने पूछने लगे भाई हाथी क्यों बैठी है कहीं चौराहा जाम कह दे किचिन जा नहीं तो मार डे तो का हम कहे बवाल हो गया तो वहां शायद हाथी को हैरान भाई रहा है मुझे चला गए हम कह देखबाई ना भाई वहाँ पार जब डांग गए हमके झूठे सब बक्का था इतना बड़ा आधा धारा रहा आधा उठा ले मतलब थकावट में आकर वो नींद में मुफ्तला हो गई जी हाँ इसलिए मैं तो तुम रास्ता क्रॉस कर गया तो क्या हुआ इतना बड़ा आधा उठा ले हाथी के मार दिन हम बवाल ले लीन मोल बिला ऊर्जा नहीं चला आए हो तो कौन कौन गड़बड़ रहा तो क्या हुआ हाथी के मार दिन बाबू साहब फिर हाथी खड़ी हो गई बिल्कुल भयंकर हो गए मतलब हाथी के मस्तक पर लग जाने से हाथी जलाल में आ गई क्रोध धाकुर हो गई मतलब क्रोध में आकर क्रोध धाकुर हो गई बाबू साहब मुझे पहेड़ लिया ओ माय गॉड झला झला मोर खा लेता के पटेल की नाई देने परिवार मनाई रहा है नारा बनवा रहा है नरवा के बगलिया पुदीना लगा दे रहा है पुदीना खूब जेहड़ा रहा है हम का काम के नहीं पुदीना बचाई गए जब पुदीना बचाई गया तो हाथिया गई सुड़वा कुल पुदीने वाला पेट लिया हमका वही बिचवा में झकझोरत हम वही हिलत सो जात है जहाँ पुदीना टूट तहाँ हम मरे हमने पुलुइया पे चढ़ गए पुलुइया पे चढ़ी कूद के भागे पड़े झूठ हथिया पहन ले तो इतने कब इतना हक्का मोलिया आई गए हथियो हक्का छोड़ ले सुन छोड़ के लाग ढंग ना आवाए बाबू साहेब हम वही में ढंगना तही सोचता हूँ जहाँ हक्का फूट तहाँ हम मरे तबले हथिया अपन सुरवा ऐसे बटोर के उही छेदवा में डालना जब सूर पहुंचे हमके यह बोलिया अब हम एमे से ना बच पाओ तब हमारे ख्याल है कि हम डॉक्टर मम के निकल के भागे तो हथिया बड़ी होशियार रहा है बहुत जादूगर रहा है अपन दहिया कुल बटोर बहुत डॉक्टर मम के निकल के भागे पहेटत हम भागत है तो जने महुआ लगाए रहा है महुआ डरिए रहा है निहल उछल के पकड़ लिया टपा टप टपा ऐसे गर्थब जाइए बैठ गए हम कहे हाथी हम कहे ना पाए तो हाथिया गई सुरवा उठाए बाबू साहेब जब ना ही पाए तो सोचे कि कैसे एक हम गिराए दे वासे तच्ची घड़ी बड़े जो अरे बाबू साहेब ओ कर ची घरता ही सुन के हम डर के मारा वहीं से मुंहता ही लग हाथी मौका पाई भाई सोता पकड़ ले लाग चढ़ाए हम कहे यह दे अब हम ना बचे बिला ओजा हम मुंहता ही जाए डर का मारा मुंहता ही
जे सद निचका वो सद मोर धार हो जा। हम कहे आप बवाल भाई, हमें सब नाती के ब्याह करवाइया रहे भेजा गए हम, अब कहा हम नाती के ब्याह का कहा न तो देख एकदम नजदीक हो गया बाबू साहब, हमारे ख्याल हो गया हम मुताब बंद कर हथिया गिरी साली मर गई तलमा रखिए खुली गए। इतनी फिर से जाए तुझको समझा रहा था क्या बे? क्या बे? इतनी देर के बाद तूने बेटवा हम माइक दूधे कसम खाए कहते अगर हमरा के गुस्सा आई गना रे तो सोच ले अगला सूरज तोरा के देखे का नाइके मिली रे। इतनी देर सोचने के बाद तुम मुझे पहेली बुझा रहा है? अपन देखत रहे क्यों बे? हाँ तुम मुझे ख्वाब की बात बता रहा है? तब का ढिठियन वाली बात ना हो दरबारी। हाँ ही हम लेट हो गए जिसे मैं तुम लेट हो गया। अपन पर्चे बता दे। अबे सबसे हाँ। पहले तुम मेरे नाम का इंट्रोडक्शन दे दे, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, हमारा नाम और हमारी काम क्या है, बोल बेटा बोल। लेकिन हम आप आपका नाम लेना नहीं चाहते हैं। क्यों बे इधर चल आराम कर, तेरा मुंह है कि तेरा खाने की रिंच है? सिट डाउन प्लीज। हम समझता है कि तुम हमारा अदब करता है जिस वजह से हम अपनी पर्चे अपने आप को खुद दे देते हैं। मेरे दोस्त उपस्थित साथियों तथा माताएं बहनों, सबसे पहले आप लोग मेरे नाम का इंट्रोडक्शन लीजिए, मैं कौन हूं, हमारा नाम और हमारा काम क्या है। माय नेम इज बाबू संग्राम सिंह, मैं खैरागढ़ का रहने वाला हूं, मेरे पिता का नाम सेठ खूबचंद है। आप लोग सुन लीजिएगा, इनका नाम सौग्राम सिंह, इनके बाबू का नाम बेकूफ चंद। कमीना कहीं का, आराम दादा इधर चल। क्यों बे जय, इतनी देर तक हमने बोला कि हमारा नाम सौग्राम सिंह और मेरे पिताजी का नाम बेकूफ चंद। कमीना कहीं का, अगर मुंह खुला ना गंदी नाली के कीड़े मुंह खुला तो दांत खोल के रख दूंगा और आसमान पर लिख दूंगा इनकलाब जिंदाबाद। माय नेम इज बाबू संग्राम सिंह। संग्राम जी। फादर का नाम खूबचंद, सेठ खूबचंद। मालिक ने इतनी दौलत दी है, मालिक ने इतनी दौलत दी है मेरे पिताजी के पास कि दीमक अपने अंडा बच्चा सहित गुजारा करते हैं। अब आप लोग ये सोचते होंगे कितने बड़े सेठ के लड़के होकर महाराज गुलाब सिंह के दरबार में महामंत्री क्यों बने हुए हैं, जिसमें बहुत बड़ा राज है, जिसमें बहुत बड़ा राज है। ये राज वो है कि मैं गंगापुर कॉलेज में पढ़ता था, और मेरे साथ पढ़ने लिखने वाले जी एक लड़की थी जिसका नाम की सावरी है। सावरी जिसका नाम सावरी है, सावरी वास्तविक में मालिक ने उसकी तस्वीर क्या बनाई है, ऐसा लगता है कि वो तस्वीर बनाकर सांचा तोड़ दिया। अबे जब मुझे सावरी की याद आती है ना, सावरी की याद आती है तो मेरा कलेजा और फेफड़ा दोनों आपस में टकराने लगते हैं। अच्छा सावरी आप एक कैलाश में पढ़ते हैं? एक कैलाश में पढ़ते हैं। एक कैलाश में की इधर चल, जब बोलने को नहीं आता तो बीच में कैलाश में पढ़ती थी, मतलब वो मेरी क्लास फेल होती, फेल रही, फेल ना है तो कहवे खड़ू के तेल रही। कमीना कहेगा, अबे क्लास फेल होती मतलब मेरे साथ पढ़ती थी,
मैं सावरी से मोहब्बत करता था और मुझसे ज्यादा मोहब्बत सावरी लगता था कि करती है। वाह वाह। जिस वजह से मैं महाराज गुलाब सिंह के दरबार में आज महामंत्री बना हूँ। जितना नहीं है बे, मेरे दिल में एक बहुत बड़ी हसरत है। क्या हसरत है? अबे लूट, जनरल सिंह का ब्रेन नहीं, ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर हमने सोचा है कि शहजादी राजकुमारी की शादी मेरे साथ में होगी और एक दिन मैं यहाँ के ताज और तख्त का मालिक बनूंगा। और तुझे क्या करना होगा बे? हम का हो बे? तुम्हें मैं अपने दिल में यह निर्णय कर लिया है कि तुझे महामंत्री बनाऊंगा। अपने दरे पे हमका पहुंचा दे बे, महाराज दरे पे आप हो जाबे। राजकुमार सामरी से आपकी शादी हो जाएगी और मैं यहाँ का महाराज बन जाऊंगा और तुम यहाँ के महामंत्री बन जाओगे। जितना नहीं, हाँ देख बात आज और बताना चाहता हूँ। क्या बात? वो बात यह है कि भारत सरकार ने मेरे ऊपर 1,00,000 रुपए का पुरस्कार रखा है बे। ये का है बरे? अरे वो काहे का पुरस्कार रखा है रे? अरे हे शेरा, हम दिन में महामंत्री बना रहता हूँ। रात में क्या करता हूँ वो बतावा। गौर फिक्र के कानों से सुनना। रात में जोरा सिंह ठाकुर के नाम से डकैती डालता हूँ। जोरा सिंह ठाकुर के नाम से डकैती डालता हूँ और आज तक भारत सरकार को इस बात का मालूमात नहीं हो पाया जोरा सिंह ठाकुर कहाँ रहता है और किस खंडाले पर रहता है। दरबारी देख, समय का भाव है। महाराज गुलाब सिंह के दरबार का आने का वक्त हो गया है। जिस वक्त ड्यूटी पर तैनात हो जाओ। कुर्सी लगा दे। ये पूछने की बात है, तनख्वाह कहाँ को लेता है रे तू? महाराज गुलाब सिंह की सवारी आ रही है। रुक बे। शहंशाह के कदमों में महामंत्री संग्राम का बादब आदाबद्ध सत्कार हो। खुश रहो मंत्री जी। महामंत्री संग्राम सिंह जी, जहां पना, आज मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। शहंशाह आलम, बेशक पूछ सकते हैं। मंत्री जी, सबसे पहले आप यह बताएं कि मेरी प्रजा यानी मेरी रैयत का क्या समाचार है? जहां पना, आपके रहते हुए आपकी रैयत आपके नाम की जय जयकार की नारा लगा रहे हैं। आलम, जिधर देखो चारों तरफ इलाके में मासूम बच्चे से लेकर जय बूढ़े तक के मुख से जय आवाज निकल रही है, महाराज गुलाब सिंह की जय हो, महाराज गुलाब सिंह की जय हो, महाराज गुलाब सिंह की। मंत्री जी, ये जहां पना, मेरी प्रजा मेरा गुणगान गा रही है, मेरे नाम का जय जयकार मचा रखी है। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस राजा के राज में प्रजा को परेशानी हो, कष्ट हो, दुख हो, उस राजा का राज्य चलाना बेकार है। शहंशाह आलम, राजा का कर्तव्य है, फर्ज है कि अपनी प्रजा को एक संतान की तरह देखभाल करे और प्रजा का भी फर्ज है कि अपने राजा को एक मालिक की तरह समझे। थैंक यू
थैंक यू गुड बेटर बेस्ट। आपका विचार अति उत्तम है शहंशाह आलम। क्योंकि राजा से प्रजा और प्रजा से राजा, दोनों का सरोकार यानी तालुकात बराबर होते हैं। ठीक है अपना, जितने तुलसी राम को उतना राम तुलसी। मंत्री जी, मैं यह सोचता हूँ कि हमारे ऊपर चाहे जितनी परेशानी पड़े, चाहे जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन मेरी प्रजा को किसी प्रकार की परेशानी ना हो शहंशाह आलम, ना हो। मंत्री जी, जी जहाँ अपना, मैं यह देख रहा हूँ कि कॉलेज से सभी बच्चे उचित समय पर अपने घर वापस आ गए हैं, लेकिन अभी तक मेरी बेटी सांवरी कॉलेज से वापस नहीं आई। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ शहंशाह। इसके विषय में मुझे सब मालूम है। मालूम है? सब लड़कियाँ जब पढ़ के पने पर घर चली जाती हैं तो एक घंटा ट्यूशन पढ़ती हैं। क्या सांवरी बेटी ट्यूशन पढ़ती है? जी हाँ। लेकिन यह आज मुझे मालूम नहीं था। हमने आपसे कभी बताया नहीं था। तो घर वापस आई है? आई है। अगर आई हो तो बुलाओ। हेलो राजकुमारी सांवरी, हाजिर हो जाओ। खुश रहो बेटी। महामंत्री जी, ये जहां अपना, आप चलकर महल का काम देखें। जैसे आपका आज्ञा हो हुजूरे आली। जा सकते हो। बेटी सांवरी, यह बताओ कि मेरा डाउट हुआ या नहीं? पिताजी, आज तो बहुत खुशी का दिन है। क्या खुशी का दिन है? पिताजी, आपकी बेटी सांवरी अच्छे नंबर से बीए पास हो गई। पिताजी, अच्छे नंबर से बीए पास हो गई? हाँ पिताजी। बहुत अच्छा, मैं भी यही मालिक से प्रार्थना करता था कि या मेरे मालिक, मेरी बेटी सांवरी बड़े प्रसन्न के साथ पढ़ रही है, इसकी मनोकामना पूरी करो। लेकिन पिताजी, कहो। जब मैं स्कूल से आती थी, आपको देखती थी, आप हमेशा खुशहाल रहते हैं, आखिर आज बात क्या है जो आप उदास बैठे हैं? मेरी उदासी का कारण जानना चाहती हो? हाँ पिताजी। बेटी सांवरी, अगर मेरी उदासी का कारण ना पूछो तो बड़ा अच्छा होगा। नहीं नहीं पिता, आपको मेरी कसम है, ये जरूर आप बात बताइए पिताजी, आपके दिल में कौन सी ऐसी बात है? लेकिन सांवरी बेटी, अगर जिस दिन मेरी उदासी का कारण जान जाओगी, उस दिन तुमको रोना ही रोना आएगा। आखिर क्यों रोंगे पिताजी? सुनो, बताएंगे महाराज। अपने अफसोस की बात कैसे कहूं, सुन के अफसोस हो जाएगा सांवरी, इसलिए मेरा कहना तुम्हारो लली, दिल मुसीबत में पड़ जाएगा सांवरी। सांवरी बेटी, अगर मेरी उदासी का कारण ना पूछो तो बड़ा अच्छा होगा बेटी। बैठ जाइए पिताजी। बोलो। आपको आज होगा बताना पिता, जो पिता अपने नजरों से सुनी दूर हो, कौन सी ऐसी गली। पिताजी, आपके ऊपर ऐसी कौन मुसीबत पड़ी है पिताजी, जो आता बताने से मुझसे मजबूर हो रहे हैं? यह रात जाना चाहती हो? हाँ पिताजी। अगर यह रात जाना चाहती हो तो सुनो, मैं बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जरूर बताओ पिताजी। सारी बेटी, मेरी उदासी का कारण यह है कि मेरा एक बेटा था जिसका नाम श्याम कुमार था, और मेरी महारानी दोनों गंगा जी के धारे में बह गए, तभी से मैं उदास रहता हूँ, यही मेरी उदासी का कारण है। पिताजी,
पिताजी कहो। इस बार ने पिता के चढ़ाया गजबी कैसे मां गंगा जी में समाई मेरे किस लिए बच पाना मेरे किस लिए इसलिए बचपना में मुझे छोड़ कर चल बसी क्यों न डोली अखिल पिताजी मेरे भाई और मेरी माँ गंगा जी में कैसे समा गए पिताजी यह जानना चाहते हो। हाँ पिताजी। श्याम और उसकी माँ कैसे गंगा जी की धारा में बह गए सुनो मैं बता रहा हूँ। उस घड़ी की सुनो देती तू दास्ता माघ मेला लगा था बड़ी धूम से एक तूफान तूफान मेले में ऐसे चला बह गई गंगा जी की बात यह है दीदी सांवरी कि माघ का महीना था माघ मेला लगा हुआ था मैं और मेरी महारानी और एक मेरा लड़का था जिसका नाम श्याम कुमार था। श्याम कुमार जन्म का अंधा था। तीनों प्राणी गंगा के तट पर स्नान करने गए लेकिन उस माघ मेले में एक बहुत बड़ा तूफान आया और उसी तूफान में मेरा वह अंधा लड़का श्याम और मेरी महारानी जी गंगा जी की धारे में बह गए। लेकिन एक बात तो जरूरी है। कौन सी बात है पिताजी? बहुत मुख्य बात है उसको तुमको बता देना चाहता हूँ। जरूर बताइए पिताजी। एक यार बात बेटी जरूरी सुनो। कौन सी बात है पिताजी? तुम सगी मेरी बेटी नहीं सांवरी। ये आप क्या कर रहे हैं? एक औरत ने आकर अरे दिया था तुम्हें होगा घर बार तेरा कहीं सा बात तो है बेटी तुम सगी बेटी नहीं हो। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो। क्या मैं आपकी सगी लड़की नहीं हूँ? हाँ यह राज मैं तुमको बता देना चाहता हूँ। जब गंगा जी के धारे में मेरा बेटा श्याम और मेरी महारानी जी बह गई तो वहाँ से मैं अपने महल आया दरबार में बैठा था उसी दरबार में एक औरत भूख प्यास से व्याकुल होकर एक लड़की गोद में लिए हुए मेरे दरबार में आई। वह बोली कि महाराज मुझको सहारा दो। मैंने उसको सहारा दिया। सहारा देने के बाद जब उसका नाम और ग्राम पूछने लगा तो वह बताई कि महाराज मेरा आदमी एक रंडी के चक्कर में आकर मुझे घर से निकाल दिया। वह अपना पूरा बता नहीं बता पाई थी कि बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ी और सदा सदा के लिए भगवान को प्यारी हो गया। पिताजी वो अपने नाम नहीं बताई थी? हाँ बेटी मरने के पहले वह अपना नाम जानकी बताई थी। और अपने गांव का नाम? वो अपने ग्राम का नाम नहीं बता पाई थी इतने में स्वर्गवासी हो गई। कर सा
सकीना तो कर पाऊंगी माँ के मरने पे पाला जी, मेरे माँ के मरने पे अब मेरी जिंदगी पाला है। मैं आपके कहीं नहीं छोड़ के जा सकती। पिताजी, बेटी, मेरे परिवार में कोई नहीं है। मेरा सारा परिवार उजड़ गया। तुम्हें मेरी आंखों के तारे हो। तुम्हीं को देखकर मैं संतोष करता हूँ। मैं यह सोच रहा हूँ कि कहीं अच्छा घर और कहीं अच्छा पर ढूंढ कर तुम्हारी शादी कर दूंगा और मेरे सर का बोझा हल्का हो जाएगा। अच्छी बात है पिताजी। चलो भोजन करो, मैं आ रहा हूँ। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि आपकी लड़की नहीं है। आज मुझे मालूम हो गया कि ये आपकी लड़की नहीं है। आप इसे पाला पोसा, आज मुझे मालूम कि दूसरी लड़की है। मेरी सगी बेटी नहीं है। बेटी नहीं है। अरे मेरा एक लड़का श्याम कुमार था, वह जन्म कांदा था। श्याम कुमार और श्याम कुमार की माँ दोनों गंगा जी की धारे में बह गए। मेरा परिवार उजड़ गया। यही लड़की मिली जो कि औरत ने, एक औरत ने आकर मुझे दरबार में मुझको, ये तो मैंने सुन लिया था। हाँ, इसका पालन पोषण कर रहा हूँ। यही सब कुछ है। ये तो सियानी हो गई। हाँ, है शादी योग्य हो गई है। हाँ। सोच रहा हूँ कहीं अच्छा घर और ढूंढ कर उसकी शादी कर दूँ और मेरे सर का बोझा हल्का हो जाए। अच्छा मैं आऊँ, आज यहीं से दरबार बर्खास्त करो। धन्यवाद। हजरात सामने कराम और मुअज्जज मेहमान खुसूसी, इससे पहले कि आप हजरात के सामने, मैं अपना नाम व पता पेश कर देना ही मुनासिब समझता हूँ। हाँ देखिए, इनका परिचय लीजिए। हमारे माननीय रमेश कुमार, जिला जौनपुर। तो सबसे पहले आप लोग मेरे कहानी पर ध्यान दीजिए। मेरी कहानी क्या है साथियों, मैं कौम का मुसलमान, मेरा नाम सलीम खान है, मेरी बीवी का नाम सामना बेगम, मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम श्याम कुमार है। अब आप लोग हैरत में पड़ गए होंगे, इनका नाम सलीम खान, बीवी का नाम सामना बेगम और भाई का नाम श्याम कुमार क्यों है। साथियों ये कहानी आप कुछ देर बाद खुद समझ जाएंगे। क्या बताऊं साथियों, बहुत ही गरीब आदमी हूँ। दिन भर मेहनत मजदूरी करता हूँ, ईटा गारा का काम करता हूँ, फिर भी शाम को पेट भर रोटी नहीं मिल पाती है। अपने सामना बेगम का इंतजार करूंगा, इसके बाद आप लोग आगे देखिए क्या होता है। वालेकुम अस्सलाम। कहो सामना, आज बहुत अफसोस में दिखाई पड़ रही हो। तुम्हारा ये चांद सा चेहरा बहुत मुरझाया मुरझाया सा लग रहा है, बात क्या है? यही सोच रही हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको कहीं नौकरी दिया नहीं, और क्या सोच क्या बताऊं सामना। जहाँ भी जाता हूँ नौकरी के लिए, जिसके दरवाजे पर जाता हूँ, जिसका दरवाजा खटखटाता हूँ, सिर्फ ठोकर के सिवा एक टुकड़ा नहीं मिलता सामना। आपको नौकरी कहीं नहीं मिली? नहीं सामना, मेरी बात सुनो सामना। क्या बात? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहूँ सामना अपने हालात को, इस जहाँ में कोई सुनने वाला नहीं, जबकि ना खुश खुदा मुझ पर है इस घड़ी, नौकरी भी कोई देने वाला नहीं। इंसान की क्या बात करूं, इस समय मेरा खुदा भी मुझसे रूठ गया है। जहां भी जाता हूं नौकरी के लिए, नौकरी नहीं मिलते,
गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्या करूं? तुम ही कुछ बताओ सामना। सामना, इसमें अफसोस करने की क्या बात है, कुछ ना कुछ काम करके तो बसर करना ही पड़ेगा ना। सामना, कौन काम करके बसर करना पड़ेगा, जब कोई काम नहीं मिलता तो कौन सा काम करूं सामना। सामना सुनो, क्या बात है, अरे गम करूं जान मैं सा मिला इस घड़ी, जबकि कल आखिरी अपना रमजान है, परसों है ईद कपोड़े नहीं बन सके, परसों है ईद कपोड़े नहीं बन सके, बस इसी रंज में दिल परेशान है, परसों है ईद कपोड़े नहीं बन सके। ईद का त्योहार है, ना तो मेरे कपड़े बन सके ना तो तुम्हारे ही कपड़े बन सके, बोलो कौन सा कपड़ा पहन करके नमाज अदा करने जाऊंगा, कैसे त्योहार करूंगा, घर में कुछ नहीं है। घर में चल करके पितारी रो जा करो, कल सुबह एक हिकमत लगाऊंगी मैं, ब्याही में जो न तूने हमारे लिए, ब्याही में ब्याह में नथनी मिली थी वही नथनी बेच करके अपना त्योहार मनाऊंगी। सामना, साज सोने के गहने तो सब बिक गए, सिर्फ नथनी बची है तुम्हारी कलम, किस तरह बेचने की इजाजत मैं दूं, जब कोई नौकरी ना हमारी कलम। सामना, जब से तेरी शादी करके घर लाया हूँ तुझे कोई सुख नहीं दे पा रहा हूँ, तेरी शादी के जितने गाने थे सब बिक गए, सिर्फ तेरी एक नथनी बची है, अगर उसे भी बेच दोगी सामना तो सारी निशानी खत्म हो जाएगी। सुनो, नौकरी कोई ऐसी नहीं सामना जो मियाँ की करेगे ना उम्मीद आप से के नाम मेरा जो राती है, आपसे बड़ी के नाम मेरा जो राती है, आपके पैरहनी से मेरी है, आपसे बड़ी के नाम मेरा। इस दुनिया में जिंदगी सलामत रखे तो सोने चांदी के गहने बहुत बनेंगे और बहुत आएंगे। सामना, सामना, कि जाओ खुशहाल हर दम रहो सामना, फर्ज़ औरत का तूने
बहुत खुश हुआ बात पर तेरे मेहंदी हटने खुश हुआ बात पर आज गर्द इसमें गम को उठाया कलम खुश हुआ बात पर तेरे मेहंदी हटने अच्छा सब बात छोड़ो पहले ये बताओ ए श्याम आपका कौन है अगर आपका छोटा भाई है उसका नाम श्याम क्यों सामना अगर श्याम के विषय में न पूछो तो बड़ी बेहतरीन बात होगी अगर आप मुझसे नहीं बताएंगे तो फिर किससे बताओगे अच्छा ठीक है सामना अगर तुम श्याम के विषय में जानना चाहते हो तो लो सुनो मैं तुमसे बता रहा हूँ हाँ बताओ सामना ये श्याम कुमार मेरा सगा भाई नहीं है क्या कह रहे हो मैं सच कह रहा हूँ सामना आज से 15-20 साल की पहले की बात हो गई है अपने अब्बू जान ने माघ मेले में घूमने गए थे तो इसी श्याम कुमार को परुआ पाए थे ये बेचारा दोनों आंखों का अंधा है अचानक तूफान आने से अपने माता पिता से जुदा हो गया इसके हाथों में भगवान श्री कृष्ण की मुरली और श्याम लिखा गया था अब्बू जान ने उठा करके घर लाया उस वक्त मैं भी छोटा था अम्मी जान ने दोनों की परवरिश बराबर किया आज वही श्याम कुमार बड़ा हो गया है मुझे अपना बड़ा भाई मानता है देखो श्याम सामना ये श्याम कुमार कोई गैर नहीं उसे कभी गैर मत समझना नहीं उसके दिल में बहुत दुख होगा बड़ी अच्छी बात है मैं अपने औलाद से बढ़कर मानूंगी श्याम कुमार हाँ सामना क्योंकि इसके आगे पीछे कोई नहीं है सिर्फ हम और तुम हैं चलो आज आओ तुम्हारे रोजा का समय हो गया और मैं जा रही हूँ सेठ जी के पास नथनी बेच कर तुरंत आऊंगी सुनो हाँ सामना नथनी बेच करके जल्द वापस आना क्योंकि कपड़े भी बनवाना है और... हाँ चलो आओ जुबा धुल जाए लप्पे जिस घड़ी ना में खुदा निकले फिर उसके बाद में कलमा रसूल अल्लाह का निकले तो नबियों में शान याली है मेरे रसूल की और कांधे पे कमली काली है मेरे रसूल की आजी जन्नत का कमर वही हकदार हो गया और चौखटी भी जिसने पाली है मेरे रसूल की अजमेर वाले अजमेर ख्वाजा ये बिगड़ा बना दो मुकद्दर हमारा ओ अजमेर वाले अजमेर ख्वाजा ये बिगड़ा बना दो मुकद्दर हमारा अजमेर वाले
हूँ गलियों में बनी कर सवाली, आया हूँ गलियों में बनी कर सवाली, फिर उधर बदर गम का मारा मारा। अरे जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। करे मुनुआ छिंदरी गए मुनुआ आया सोठ करे मैं सोठिया शेर 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 ये बताओ हाँ कहाँ रहे हम लेट हो गए कहाँ लेट हो गए हम तो हाँ नाच देखे लावे नाच देखे लावे छिंदरल कहे ना इतना करे का सेठ हो हाँ
गाय लिए थे गाय लिए थे गाना और का कि नाच ले भाई का गाय लिए थे गाना भी गा लेता हूँ। अच्छा अच्छा तो बताओ फिर कहा ले मिलवा लेट हो गया तो कहा बिगड़ था काम मतलब देखो लेट मत आया करो। अच्छा हो गया और सुनो मेरी बात को मुनीम जाय के बोरा लिया तू का हो और यह बिछावा और बैठी कुछ हिसाब पाती करी तुहार बनिया बट्टू जा तू रोज बोरे बैठा थे आज तो काम बैठा कुर्सी पे देखा मेरे हमार बनिया की जात सब दिन हम बोरे कारबार के है और बोरे बचा ही जा बोरा लिया हुआ तू बिछावा यहाँ बैठी कुछ हिसाब पाती करी नहीं सेठ आज हम बैठा तो होगा कुर्सी बैठा करी कुर्सी कैसे होते मिनुआ ये बताओ या फिर कौनी की बैठ जात है कौनी की ना है यही बैठा है अरे बार मिनुआ बेटवा वाह भाई वाह क्या बात है मिनुआ हाय 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 मिनुआ अरे इतनी मजा तो मैं जिंदगी में कभी नहीं पाया था अरे छिन्नरी गए अब तक तूने मुझे कुर्सी पर क्यों नहीं बैठा बार नाती तभी तो कुर्सी के लिए सभी मर रहे हैं जहाँ बैठा यहाँ ना हाँ। नहीं हम मायावती ने बैठी यहाँ न मुलायम ऊँचे बैठा दे वास्तव में मुनमुआ इतनी मजा आ रही है कि मैं जिंदगी में ऐसी मजा कभी नहीं पाया कभी नहीं पाया मुनमुआ सबसे पहली बात ये है कि ये जितने भाई लोग बैठे हुए हैं इन्हें नहीं मालूम है कि मैं कौन हूँ मेरा नाम मेरा नाम सेठ खूबचंद मेरा नाम सेठ खूबचंद और मैं इस इलाके का बहुत बड़ा माना जाना सेठ हूँ बच्चे बच्चे मुझे जानते हैं तोहर पहना उन्हें बताओ मिनुआ वैसे पहले मैं बहुत अय्याशबाज जुआबाज दारूबाज रंडीबाज कोठेबाज यानी बहुत बदमाश था बहुत अय्याशबाजी करता था लेकिन जब से झारखंड अयोध्या प्रयागराज सेतबार रामेश्वर चितरकूट बदरी नारायण हरिद्वार नंदगांव बरसाना गया तब से अब कुछ सुधार हो गया है। गारापुर करे है गारापुर करे है छिन्नर गए गारापुर में कौन सा तीर्थ स्थान है अरे तुहार बहन की अच्छा बात ऐसी है कि जब से भक्त हो गया तब से कुछ सुधार हो गया। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ बतावा कि गरीबों की मदद करता हूँ ईमानदारी काम सीख लिया वो किस तरह से मदद करता हूँ सुनो मैं बता रहा हूँ देखो अब मैं गरीबों को ब्याज पर रुपया देता हूँ। अच्छा कैसे ब्याज लेते हैं वो सुनो बता रहा हूँ देखो जिसको 100 रुपया देता हूँ उससे सिर्फ 25 रुपए महीने ब्याज देता हूँ 100 रुपए का 25 रुपए महीना ज्यादा नहीं लेता 100 रुपया का मना साल भर में 25 ले देख कई महीना 25 भक्ता है बड़ी बड़ी कंठी पहन देखो भक्त हो गया हूँ ना इसीलिए अच्छा, तो और कहानी बतावा और सुनो मुनिमा मेरे जीवन की कहानी सुनो मैं तुम्हें बता रहा हूँ हाँ देखो मुनिम मेरे सठानी का नाम जानकी था मेरे सठानी का नाम जानकी था और जानकी की गोद में एक साल भर की लड़की थी। अच्छा? और मैं जो है एक चमेला भाई रंडी के चक्कर में फंस गया और चमेला भाई ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया मैं चमेला भाई तो कर रख ली हमको चमेला भाई मैंने रख लिया मैं चमेला भाई के चक्कर में आकर अच्छा? अपनी बीबी यानी अपनी जठानी जानकी को मार कर घर से निकाल दिया बीही औरत को तो फिर क्या हुआ वो लड़की को लेकर फरार हो गई। आज तक उसका कोई पता नहीं है कहाँ गई कहाँ नहीं गई और मैं चमेला भाई के साथ ऐसो आराम करता रहा जिससे एक लड़का पैदा हुआ क्या नाम है जिसका नाम है बाबू संग्राम सिंह इस वक्त कहाँ है संग्राम सिंह के ऊपर मैं बहुत नाराज रहता हूँ काहे से इसलिए कि वो बहुत बदमाशी करता है आज तक उसका कोई पता नहीं है कहाँ गई कहाँ नहीं गई और मैं चमेला भाई के साथ ऐसो आराम करता रहा जिससे एक लड़का पैदा हुआ क्या नाम है जिसका नाम है बाबू संग्राम सिंह इस वक्त कहाँ है संग्राम सिंह के ऊपर मैं बहुत नाराज रहता हूँ काहे से इसलिए कि वो बहुत बदमाशी करता है राहजनी करता है डाका डालता है कत्ल करता है बैंक लूट लेता है पोस्ट ऑफिस लूट लेता है इसलिए मैं उसके ऊपर खुद नहीं रहता हूँ हम जाने की यहाँ मारा नाराज यहाँ की जमन की रंडी के पेट नहीं नहीं नहीं
है तू मेरा बेटा ना? हाँ है तो अभी बेटा, चाहे रंडी के पेट का हो चाहे जैसे हो। हाँ हाँ। लेकिन इस बात के लिए मैं उसके ऊपर नाराज रहता हूँ। नाराज रहते हो लेकिन लेकिन इस समय संग्राम सिंह महाराजा गुलाब सिंह के दरबार में महामंत्री के पद पर है। सुधर गया यानी कुछ सुधार हो गया है। और मुनिमा तू सलीम को जानता है ना? सलीम मैं जानता हूँ। सलीमवा के अब्बू जान आज 3 साल पहले खत्म हो गए यानी इस दुनिया से चले गए। हाँ देहांत हो गया। देहांत हो गया तो सलीम आकर मेरे पास रोने लगा और कहा सेठ जी मेरे अब्बू जान खत्म हो गए, कफन के लिए पैसा नहीं है। अच्छा? मुझे 100 रुपया दे दो। तो मुझे दया आ गई और मैं सलीम को 100 रुपए निकाल कर दे दिया। दे दिया। लेकिन मुनिमा आज 3 साल का दिन बीत गया, सलीमों ने आज तक एक नया पैसा नहीं दिया। भला बताओ कैसे धंधा चलेगा हमारा? तब तक हमारा भट्टा बैठ जाए। हमारा भट्टा बैठा देगा। तुम ऐसा करो कि 100 रुपए का 3 साल का ब्याज जोड़ कर रखो और आज उसके यहाँ चलना है और 100 रुपया चुकाना है। अपन बहन खाता हम छिन्नरी के बहन खाता नहीं वही खाता लिया। ये लो लिया। जोर जल्दी। अरे तो हार बहिर खाता बहुत पुरान हो जा। करे थूक लगावत था ना? थूक लगाई सरकत हो नहीं? मेरे थूक लगाई सरकत नहीं नरम का ना चला। लक्ष्मी यही थूक लगावत था अब सरकत ही ना धमका गई लक्ष्मी यही लगी हम कर। अरे है से हाँ एक ही फोटो लगा बा ऐसी प्यार करा था। अरे मने मने मारे तो का मोला मने तो का मोला मार चमेला बाई है नथुनिया पगोली मार मोले। अरे मोले रे मोले ये साला शेर का है पूरा कार्टून है भाई। जब मुने ही नहीं तो हम इनकर अब तैला गा भाई सरवा हारे पर छपते आवत है ते का जोड़ जाई तीन त्रिका नौ तीन चौक 12 तीन बजे 15 तीन संग 18 दो जाए दे 20 तीन उड़ाए दे 21 कुल मिलाई के 900 रुपया भवा। हाँ 900 रुपया 100 रुपया का ब्याज केवल 3 साल का 900 रुपया भवा। 900 रुपया ब्याज हो गया जी हाँ। और 100 रुपया मूर 1000 पूरे 1000 मिले वा 1000 रुपया होगा। वाह शेर बहुत कमा रहा है। मिले वा 1000 रुपया होगा। वाह शेर बहुत कमा रहा है बहुत कमा। और क्यों लगे बातें? हाँ और क्यों लगे? हाँ और क्यों लगे बात? एक बात और सुन ले। हाँ 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 300 रुपया जमा कर दिया। देखो कौन? अरे वही उसकी औरत समीनमा। हाँ कहे मिनिमा जो समीनमा 300 रुपया दे गई बा ओका लिख दे का खत्म हो रे। हाँ लिख दे। करे छिन्नरी कहे। अरे ओका कहा लिख दे? अरे भाई जब सामने दे गई तो उसको हमने ना लिख दे का कहे बेईमानी करे तुर गए कंठी पहरे जब भक्ता ही पिछार खंड गई बदरी नारायण गाही है। काटू का जल्दी काटम ना ओका काटा पूरे 1000 रुपया लिखा। तुहार बेईमानी ने तुहरे बटवा ने बिटिया दुनिया भरे कहा एक ही मेहरा उड़े भगा दी है तुम्हारे भला भाई रंडी फंडी से फंसा हाथ को ले कार दी है। और सुन और बता। हे विनुमा और है भी और कितना बा देख। हाँ हला एक अलग रुक जा एक अलग अपन कलम ये कन्हैया की कलम कहाँ से लिया है? ये भरत का बात से लिया है मैंने। भरत का बात से भाई सियाहिन मार फेंका दूंगा। विनुमा एक कन्हैया की माई ले गई है 53 रुपया ओकर गमन पड़ा रहा। अपने गौने में आए 53 रुपया लगे आज तक उड़ा दे। ये हारमोनिया हवा। हाँ ये जो हारमोनिया बजाता है ढोलिया वाला। हाँ जगलवा के जगलवा माई के तब मुने हम बिना माई अंदाज दे के असाए। सेठ जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये सामना आ गई सामना। कहा सामना? सलीम कहाँ पर है? सेठ जी वो घर पर है। आज मैं आपके पास खुद आई हूँ। क्या सलीम घर पर है? हाँ तो देखो अच्छा हुआ तू आ गई। मैं तुम्हारे पास खुद आने वाला था लेकिन तू खुद आ गई। लाओ रुपया खाते में जमा कर लेता हूँ। लाओ लाओ सेठ जी। हाँ रुपया लेने नहीं देने नहीं बल्कि आज और लेने आई हूँ सेठ जी। क्या कहा लेने आई है? हाँ सेठ जी। क्या रे पिछला पैसा दिया नहीं और आज लेने के लिए फिर आ गई? देखो सामना मजाक मत करो मस्करी मत करो रुपया लाओ और मैं खाते में जमा कर लूं। सेठ जी
लेकिन आए किसी से किया मस्करे ये दिखाया तुम्हारे सर पे मेरे बन सकाना एक पीड़ा मुसीबत पड़े दे और मेरे घर में एक भी पुरानी के कपड़े नहीं सेठ जी कल तेरी ईद है और तेरे घर में एक भी पुरानी के कपड़ा नहीं है पिछला पैसा नहीं दिया अगला लेने के लिए तैयार है तेरे हराम जादी नहीं तो अरे कैसे मुझको दिखाओ नहीं सामने आज से लाएगा कुछ ना रहम मैं तेरी बात को सुनने अरे वाला नहीं जल्दी से सब चुका दे हमारी रुपया लेने आई देने नहीं बल्कि लेने आई हूँ लेकर बालों को ढोल कर ना दो वरना होगा हमारा न तुम्हारे जब सुनोगे नहीं तो सुनेगा कौन सुख साथी तो ये सारा संसार हर जो दरवाजे से मेरे तू इस घड़ी मुफ्त में मूड मेरा करो ना गरम क्रोध ज्यादा मुझे कर और कहीं आ गया भेज दूंगा तुझे सीधे मुल्क रुपया लेने आई है निकल जा मेरे दरवाजे से करना अभी से जीवो लोगे आपकी बातें सुन दिल हुआ नरम हो गया कर्ज देने से निकार जब आपको सुने मुझे दे दो 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 रख कर्ज देने से ही निकाले सेठ जी अगर आपको कर्ज देने से इनकारे तो ये नथनी अजन करो और मुझे सिर्फ 200 रुपये चाहिए ये रही पते की बात बोलो सामना ये नथनी कितनी तोले की है सेठ जी आप वजन कर लीजिए आपको खुद मालूम हो जाएगा चलो ठीक हुआ सामना ये तुम्हारी नथनी मैं ब्याज के दर पर गिरो रख लेता हूँ क्या करे सेठ जी और तुम्हारा 200 रुपया कम हो गया बाकी का 800 रुपया हमारा इंतजाम करके रखना एक हफ्ते के बाद आऊंगा तो हमारा इंतजाम करके दे देना ऐसा मत कहो सेठ जी नहीं तो हमारा त्योहार तेरे त्योहार का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ निकल जा मेरे दरवाजे से देखा लहाज ले मुझे कमाल ये शेर खूब चंद का कमाल है जी ये नथुनी कम से कम 2 तोले की होगी
12,000 की 200 रुपये काटे। मुनिमा और चलो चला, अभी मुझे पूजा पाठ करना है मुनिम। हाँ भगवान की भजन करना, बेईमानी ईमानदारी, इसलिए अभी मुझे पूजा पाठ करना है। अल्लाह ताला मालिक, अभी तक सामना शेर के घर से नथनी बेच कर वापस नहीं आए। कल ईद का त्योहार है, लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, नमाज अदा करने जाएंगे। मैं कौन सा कपड़ा पहन करके नमाज पढ़ूंगा मालिक? मेरे पास कोई कपड़े नहीं बन सके। लोगों के घर से वही पकेगी बिरयानी, जर्दा पुलाव, मीठा पुलाव, सब कुछ बनेगा, लेकिन मेरे घर कुछ नहीं है। मैं क्या करूंगा मालिक, कैसे अपना त्योहार मनाऊं? श्यामना, तुम्हें क्या हो गया? श्यामना बोलो, क्या बताओ, शेर जी ने नथनी भी ले लिया और पैसे भी ले लिया। या अल्लाह, या पाक परवरदिगार, अब मैं अपना त्योहार कैसे करूंगा? सिर्फ एक नथनी का सहारा था, वो भी सेठ ले लिए। मालिक, इससे बेहतर मुझे मौत दे दो, मुझे मौत दे दो मालिक। सावला, अरे तुम्हारी बात सुन कर मीना किस्मत पे रोता हूँ, तुम्हारी बात सुन कर मजबूर होता हूँ कि पागल कर दिया मेरी गरीबी इस घड़ी मुझको, और धरू क्या अब गहन देवरी, खुदा पर जान देता। सावला बोलो, सावला अब क्या होगा? नहीं ऐसा कहो वरना मेरा दिल काँप जाता है। बिना उसके जहां में ना कोई भी कमी उठाता है।
क्या करोगे जब अल्लाह ताला को यही मंजूर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं सना। सामना जब अपने अब्बू जान जीवित थे तो क्या जमाना था, उनके खत्म हो जाने के बाद क्या थे क्या हो गया। आज ऐसी हालत हो गई सामना कि एक दाने दाने के लिए हम लोग मोहताज हो गए। लेकिन पता नहीं श्याम रोजाना कहाँ जाता है और शाम होते होते घर चलाता है। देखो सामना, श्याम जो है दोनों आंखों का अंधा है, बेचारा एक जगह बैठे बैठे उब जाता है, कहीं चला गया होगा अपना जीव हलाने के लिए। अच्छा। चलो उसका थोड़ी देर इंतजार किया जाए। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। कल ईद का त्योहार है, न तुम मेरे पास कपड़े हैं, न तुम्हारे भाभी के कपड़े बन सके। बस भैया इसी अफसोस में बैठा हूँ, कैसे नमाज पढ़ने जाऊंगा, कैसे त्योहार मनाया जाएगा। भैया क्या करोगे भैया, ये तो हम लोगों की बदनसीबी है जो कि ऐसे दिन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन चिंता मत करो मेरे भाई, मेरी बात सुनो। ये खुशी गम तो ईश्वर के ही हाथ है, अपने दिल में न अफसोस करिए बिरंग, कल सुबह ईद होगी हंसी और खुशी। लाया हूँ आप लोगों का मैं पैरंग, खुशी गम तो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन चिंता मत करो मेरे भाई, मैं आप लोगों के लिए कपड़े लेकर आया हूँ। कपड़े लेकर आए हो? हाँ भैया, ये लो भाभी। ये लो भैया, ये क्या है? इसमें चीनी है और ये सिमई है। और ये कपड़े श्याम, इतने अच्छे अच्छे कपड़े कहाँ पाए? जी सब पूछ कर क्या करोगी भाभी। कि रुक जब श्याम आगे कदम ना बढ़ा, रुक जाए वो श्याम आगे, आखिर मेरे भाई भाग्य है, कदम ना बढ़ा। अच्छे कपड़े कहाँ पाया तू, हो के ना बिना चोरी कहाँ से किया, किसके घर से उठा कर यहाँ लाया तू। बोल श्याम, तूने चोरी करके कपड़े किसके घर से लाया? कौन तुझे चोरी करने के लिए कहा था? मैं अपना त्योहार नहीं मनाता, नहीं नमाज पढ़ने के लिए जाता, लेकिन तूने चोरी क्यों किया श्याम, क्यों किया श्याम? मेरे भाई ये कपड़े मैं कहीं से चुरा कर नहीं, बल्कि रेल पर जाकर एक एक रुपए मांग कर इकट्ठे करके ये कपड़े लाया हूँ। अगर इसके लिए सजा देना चाहते हैं तो जो जी में आए वो सजा दीजिए मेरे भाई। नहीं भैया, नहीं भैया, मैंने अनजाने में तुझे बताया, मुझे माफ करना भाई। मेरे श्याम है, तुझे मेरे त्योहार पर इतना बड़ा ख्याल,
कि तूने मेरे लिए कपड़े बनवा कर लाया, भाभी के लिए कपड़े लेकर आया, लेकिन तूने अपने लिए कपड़े क्यों नहीं बनवाया भाई? अरे भाई, आप मेरे लिए क्यों चिंता करते हैं? अरे भैया, भैया, अरे सोच मेरे लिए भैया तुम ना करो। क्यों ना करूं भाई? सोच मेरे लिए भैया तुम ना करो, अरे क्योंकि मेरा नहीं कोई त्योहार है। सोच मेरे लिए भैया तुम ना करो, क्योंकि मेरा नहीं कोई त्योहार है। ये गांव वाले क्या कहेंगे भाई? यही कहेंगे कि सलीम अपने लिए कपड़े बनवाया, अपने बीबी के लिए कपड़े बनवाया, लेकिन श्याम के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। यही तो तारा देंगे भाई, मुझे जले करेंगे। ऐसी बात मत सोचो अपने दिल के अंदर। भैया, आज से तुम्हें मेरी कसम भाई, तुम कभी स्टेशन पर भीख मांगने मत जाना। क्यों भैया? बात भाई, तू दोनों आंखों का अंधा आदमी कहीं ट्रेन के नीचे चला गया तो क्या होगा भाई? बोलो भाई। भैया, ऐसी बात अपने दिल के अंदर कभी मत सोचना। भगवान अगर अंधा भी इस दुनिया में पैदा किया है तो हम अंधों के पास इतनी अक्ल होती है कि हम अंधे लोग कभी धोखा नहीं खा सकते मेरे भाई। अच्छा श्याम भाई, चलो घर में खाना खा लो, आओ। चलो भैया। या अल्लाह ताला, ईद का त्योहार भी हंसी खुशी से बीत गया। सोच रहा हूँ कि घर बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। आज मैं अपनी बीवी शामना बेगम को समझा करके कहीं परदेश कमाने चला जाऊं, नहीं तो ये गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, एक दिन हम लोग बिक जाएंगे मालिक। यही सोच रहा हूँ कि आज आने दो, उन लोगों से राय सलाह करके मैं कहीं परदेश चला जाऊं। क्या बात है भैया, क्या सोच रहे हो? श्याम भाई, यही सोच रहा हूँ भाई कि देखो घर बैठे काम नहीं चलेगा, अपने ऊपर गरीबी है, मैं सेठ खूब चंद का कर्जदार भी हूँ। भैया, सोच रहा हूँ कहीं परदेश चला जाऊँ कमाने के लिए, और तुम लोग घर पर रहना। क्या कहा मेरे भाई, तुम परदेश जाओगे? हाँ भैया। लेकिन हम लोगों को किसके सहारे पर छोड़ कर जाओगे? देखो श्याम भाई, तुम अपनी भाभी श्यामला के साथ रहना, मैं वहाँ से कमा कर रुपया भेजूंगा, तुम लोग घर पर आराम से रहना। तुम्हारी भाभी है तुम्हारे सहारे के लिए, तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं पड़ने पाएगी। मैं पत्र दे करके बराबर खबर लेता रहूंगा। श्यामला, तुम फाके करके अपनी जिंदगी गुजार लेना, लेकिन मेरे श्याम भाई को एक टुकड़ा रोटी जरूर खिलाना, इसे कभी भूखा मत छोड़ना। इसे मैं तेरे सहारे पर छोड़कर जा रहा हूँ सामना। सामना, बदला जग ने भेष, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। रामा हो क्यों सामने? क्या बात है सेठ जी, एक हफ्ते हो गया ना, लाओ मेरा रुपया। सेठ जी, आप हमारी नथनी भी ले लिए, आपका कर्जा नहीं अदा हुआ। क्या कहा? और 300 रुपया पहले आज मैं दे आई थी। क्यों ने? कब 300 रुपया दिया था?
अरे तुम्हारा 200 रुपया कम हो गया नथुनी पर, अभी मेरा और 100 रुपया बाकी है। अरे जी करे समझवा, ये बता ये क्या है तोर? ये मेरा देवर है। तेरा देवर है? क्या नाम इसका है? श्याम कुमार है। तेरा देवर है और इसका नाम श्याम कुमार है? हाँ सेठ जी। मिनवा करे हाँ? इसका नाम श्याम कुमार है हाँ। और इसके सहार का नाम सलीम है। इसका सामना ये तो हिंदू है। ये हिंदू है और सलीम कहाँ गया? आज ही आज परदेश गए। परदेश चला गया, ये बात है मुनिमा। समझा क्या रे? आंधर का हाँ सेठ जी। छह साल रहा है ये हिंसा है। सुतारे बोला रहे ठीक कह दे, हम सब गुंडा है। गुंडा कहा के है? गुंडा है तो? कहाँ से आवत है? कुंडा से। कुंडा से आवत है? गुंडा है हाँ। तो कहा यहाँ तिलक चढ़ावा या यहाँ कहा करे बनुमा करे? ये अनहरा कहा जो कहा तिलक चढ़ावा या आया? अरे छिन्नरी गए तिलक चढ़ावा या आया छिन्नर गए? देख ले अनहरा सारे कई भाई आनार रहो तो न जाने क्या करते। आखिर कहा काम में तुहार? अरे मेरा रुपया है, लो मेरा रुपया, मैं खाते में जमा कर लूँ। रुपया और क्या पैसा? लेकिन सेठ जी रुपया तो भाभी दे रही हैं। क्या कहा? एक बार 300 रुपए दे रही हैं, उसके बाद आप नथनी भी ले लिए, फिर भी आपका रुपया अदा नहीं हुआ। काहे को इतनी बड़ी बेईमानी कर रहे हो सेठ जी? क्या कहा? बेईमान बना रहा है मुझे रे? मैं भक्त आदमी हर तीरथ कर चुका हूँ, तो मुझे बेईमान बना रहा है नालायक सुअर का मीना का। इतनी बड़ी बेईमानी नहीं करना चाहिए सेठ जी आपको। अरे खौफ ना खाया तू नादान और बनाया मुझको बेई। इनकार तो फोड़ूंगा सर और बिन लिए रुपया वापस नहीं जाऊंगा घर। और चखाया चखाऊं मजा मैं आलीशान बनाया मुझको तू। अरे परेशान हूँ मैं सुबह नहीं है पास में एक सदा। मुझको खत्म कोई हिकमत से नहीं दे पाऊंगा मैं बापू रकम। करेगा मदद मेरी घर से, करेगा मदद मेरी घनश्याम, नहीं है पास में एक बिन लिए भी रुपया यहाँ से जा सकते ना हम,
और तेरे दरवाजे से हट सकते नहीं मेरे। अबे सुने कायर वो नादान बनाया मुझको बेई। रुपया देगा कि नहीं? नहीं देगा। राम घर के देवर से तुमको बड़ा प्यार है, सामना मेरी एक बात मंजूर कर, हर करके सिंगार रानी, सिंगार रानी हमको चलो मेरे जोश से जवानी को तुम्हारे मुख से निकली तो राख लगाकर जुबान खींच लूंगा। देखा मिलूंगा इस अंधे को, मैंने तो इसके फायदे की बात की, ये अंधा मुझ पर बिगड़ा जा रहा है। इतना पैसा, इतना पढ़ा तुम, या तो मेरा रुपया दे नहीं तो सामने को दे। मैं मेरे फायदे की बात कर रहे हो और क्या, मेरी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहते हो? अरे हराम, मैं तुम्हारा कर्जा माफ कर दिया जा रहा है। मुझे कर्जा तुम्हारा नहीं माफ कराना है। पैसा अपनी भाभी को मेरे साथ कर दे, मैं लेकर चला जाऊं। मैं ही तुम्हारे साथ। अरे मुनिमा छिन्नर गए करे अनहरा सार हमका मारत मत लखा था। लखा था ही मौत लपटिया ने मैं उठा के दही मारे। कहू की दही मारे? ऊ रगना रगरद बा कि आज से मुझे मालूम हो गया कि अनहरे के आंखी में सील नहीं हो सकता। अरे जना सलवा कब हम मारे नागा, एक कई दरे मारत रहा ना है। तो ये हुआ सेठ कि परमात्मा ने मुझे आंख नहीं दिया, नहीं तो आज तुम्हारी हड्डी और पसली एक करके तप करूंगा। कैसे दांत बस, तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपनी इज्जत लेकर यहाँ से चले जाओ। जाओगे नहीं तो क्या तेरे घर रहने आए हुए अंधाष्ट बता। ये सारे लाठी से पटक दिया उन्हें, उनके खूनी मंगूरी भाई लागना साला पादी बा। अंधे, आज तो मैं जा रहा हूँ लेकिन एक महीने के बाद आऊंगा। अगर हमारा रुपया पूरा पूरा ना अदा कर दिया तो इस अपमान का बदला अपमान से चुकाऊंगा। अंधे कह के भाभी शावते ना मालूम कब ये गरीबी हम लोगों का साथ छोड़ेगी। भाभी ऐसे दिन पता नहीं कब तक देखने को मिलते रहेंगे। आज अपना ये गिरा दिन ना होता तो सेठ जी ऐसी बातें ना बोलते, मेरी इज्जत से खिलवाड़ नहीं करना चाहते। यानी
मेरी इज्जत से खेलना चाहते हैं। क्या करोगे देवर? ओ लोग, बड़े लोग, पता नहीं कब तक ऐसे दिन देखने को मिलेंगे। चलो देवर, नाश्ता कर लो। दरबारी। हाँ महाराज। आज मैं तुमसे एक राय लेना चाहता हूँ। क्या राय लेना चाहते हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जब से अपने पुराने सेनापति की मृत्यु हुई, जी हाँ, तब से आज तक अपने दरबार में कोई नए सेनापति की नियुक्ति नहीं हुई। नियुक्ति नहीं हुई, ठीक रहे। तो मैं यह सोच रहा हूँ कि अगर कोई इंसान मिल जाता हाँ, तो अपने दरबार का सेनापति बना लेता। ठीक सोच रहे हैं महाराज। तुम्हारी तलाश में कोई है? कोई नहीं है, अगर कोई आएगा मैं बताऊंगा। हाँ तलाश जारी रहे। हाँ? ऐसा करो हाँ? दरवाजे पर खड़े हो जाओ, बिना हमारे इजाजत के कोई किसी इंसान को अंदर मत आने देना। अरे भाई कोई चौकीदार है? भैया हम गरीब है। गरीब है ना यहाँ? क्या गरीब है ना यहाँ? अरे यार तुम्हारी बात तो न जमीन को होती है न आसमान की होती है। कह रहे हो गरीब आए हैं? अरे गरीब उसका नाम है कि गरीब इंसान है? तेरा नाम गरीब है? नहीं भैया हाँ? मेरा नाम सलीम खान है। गरीब है, उसका नाम सलीम खान है, गरीब इंसान है। हाँ, जाओ उसको अलग साथ दिलवाओ। मालिक कहो। मैं आपका बहुत नाम सुन करके आया हूँ, मेरे ऊपर निगाहें करम हो मालिक, मुझे एक रोटी का सहारा दीजिए। तुम गरीब इंसान हो, दाने दाने के मोहताज हो, दिन भर परिश्रम करते हो लेकिन शाम को पेट भर रोटी नहीं पाते हो। हाँ सरकार, कुछ सहारा है तुम्हारे यहाँ आए हुए हो? हाँ मालिक। लेकिन जो मैं कुछ कहूँ ध्यान से सुनो। अर रहते हो किस जगह पर बतलाओ राज तुम्हारा, महाराज जी मैं खैरागढ़ का निवासी हूँ, नौकरी के वास्ते आपके पास आया हूँ सरकार। हमारे दरबार में हमारे यहाँ नौकरी के वास्ते आए हुए हो? जी हाँ महाराज जी। सुनो, जब नौकरी के वास्ते हमारे यहाँ आए हुए हो तो आज से मैं तुमको नौकरी दे रहा हूँ और आज से मेरे दरबार के सेनापति बनकर रहोगे। महाराज जी कि यह शान भूल सकता हर जिस नया पुका मैं, एक रोटी का बापू मुझको दिया सहारा, एक रोटी का बापू मुझको दिया सहारा, एक रोटी का बापू मुझको दिया सहारा। तुम्हारे गांव का नाम तो मालूम हो गया, तुम खैरा नगर के निवासी हो जी। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? महाराज जी मेरा नाम सलीम खान है। तुम्हारा नाम सलीम खान है जी? हाँ। कौन के मुसलमान पठान हो? हाँ महाराज जी। अच्छी बात है, एक काम करो मेरे यहाँ रहो लेकिन मेरे साथ गद्दारी मत करना। महाराज जी वादा करता हूँ कि मैं मेहनत से वफादारी के साथ करूँगा काम, मेरी तरफ से कोई आप कभी शिकवा शिकायत नहीं पाएंगे। अच्छा दरबारी हाँ। ऐसा करो हाँ। बहुत जल्द से जल्द महामंत्री संग्राम सिंह को बुलाओ। हाँ, महामंत्री संग्राम सिंह। जहाँ पनाह के कदमों में मंत्री का सर झुका है। महामंत्री संग्राम सिंह जी। महाराज जी आज कई वर्षों से तुम मेरे दरबार में कई कामों का कारभार अकेले तुम संभाल रहे थे। सही
तो मैं सोच रहा हूँ शहंशाह कि दरबार में ना वक्त बुलाने का कारण क्या हो सकता है। जब पुराने सेनापति की मृत्यु हो गई तब से आज तक अपने दरबार में कोई सेनापति की नियुक्ति नहीं हुई थी और दोनों काम तुम अकेले संभाल रहे थे। ये तो सही बात है। आज खुशी की बात तो यह है। वो कौन बात है? एक सलीम खान इंसान, कौम का मुसलमान पठान, हमारे दरबार में आया और उसको अपने दरबार का सेनापति बना लिया। बहुत अच्छी बात है शहंशाह आलम। ये खुशखबरी सुनकर हमारी आत्मा गदगद हो गई शहंशाह। और हाँ महामंत्री जी, यही है सलीम खान, सामने खड़ा हुआ है, पूछताछ कर लो। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। और सलीम भाई? सब ठीक है। बहुत अच्छी बात है। आप क्यों रो रहे हो? तो तुमको हंसना चाहिए क्योंकि नौकरी पा गए हो। सलीम भाई, हम तुम्हें देखकर बहुत खुश हुए, कम से कम आप मेरे काम में हाथ तो बटाए। हाँ मंत्री साहब, मैं अपना भी काम करूंगा और आपके भी काम में हाथ बटाऊंगा। और हाँ महामंत्री सरकार सुन जी, जहां अपना यह खबर सावरी को भी बता देना चाहिए। आप ठीक कहते हैं, जहां अपना बुलाऊं? राजकुमारी जी को बुलाओ। आओ राजकुमारी, सावरी देवी आओ, जल्दी आओ। खुश रहो बेटी। आखिर बात क्या है पिताजी जो मुझे बुलाया गया? बात यह है कि आज अपने दरबार में एक नए सेनापति की नियुक्ति हुई है। तू रात दिन मुझसे यही कहती थी कि पिताजी अपने दरबार में सेनापति नहीं है, लेकिन आज वह खुशी का दिन आ गया कि अपने दरबार में एक नए सेनापति की नियुक्ति हो गई। उसका नाम सलीम खान है और कौम का मुसलमान पठान है। और यह सलीम खान सामने खड़ा हुआ है। नमस्ते मेरे भाई। नमस्ते भाई। क्या बताऊं, क्या बताऊं पिताजी, आज मैं सुबह से यही सोच रही हूँ कि हाय भगवान, आज राखी के दिन है, आज मैं किसके हाथ में राखी बांधूंगी? जो पुराना सेनापति था मैं उसे अपने सगा भाई समझती थी और उसके हाथ में राखी बांधती थी। पिताजी मैं आज सुबह से यही सोच रही हूँ, लेकिन हाय भगवान, तूने बहुत अच्छा किया कि जो आज मुझे सेनापति दे दिया। बहन जी आप अफसोस करने की बात नहीं बहन जी, अगर पुराना सेनापति नहीं बहन जी तो आज मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं आज से तुम्हारी सगी बहन हो बहन, मैं सगी बहन का दर्जा दूंगा और तुम्हारे ऊपर कोई कभी किसी बात की मुसीबत नहीं आने दूंगा। देखिए मेरे भाई, मैं तुम्हें अपना सगा भाई समझती हूँ और मैं आपके हाथ में राखी जरूर बांध रही हूँ, लेकिन अपनी बहन कभी नहीं भुलाना मेरे भाई। कभी नहीं भूल सकता जिंदगी में मैं तुझे, अब कभी नहीं भूल सकता। आज से तू मेरी सगी बहन है। आज मैं आपके टीका दे दूँ? आज मैं खुशी में तुम्हें भी टीका देना चाहती हूँ। आज लाओ तुम्हारे हाथ में राखी बांध दूँ। राखी न बनाओ, हम राखी न बनाओ, हमारे माथे में टीका लगा दिए, कैसे होए हमारे भाई हो गए, हमारे भाई हो गए, कैसे होए? समय नहीं है, जो हो रहा है वो ठीक हो। भैया बहिनी के प्यार रखा मानेवा में, भैया बहिनी के प्यार रखा मानेवा में, हरे साले आए राखी, हरे साले आए। जी जी, आज इस खुशियाली में मैं आपको मीठा खिलाना चाहता हूँ। थैंक यू। हम अपने हाथ से खा लेते हैं। बहन क्या बात है? बहुत खुशी की बात बहन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे? हाँ बहन। क्या कहना चाहते हो? मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा,
दिन रात देखूं मैं एक सपना, कब तेरी बारात आएगी अगला। दिन रात देखूं मैं एक सपना, कब तेरी बारात आएगी अगला। हीरे मोती तुझ पे लुटा के, हीरे मोती तुझ पे लुटा के, सितारों के गहने सजाएगा मेरी बहनाए। राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। भाई क्या ढूंढ रहे हो आखिर? अरे अर्जय, आज खुशी में तुम्हारे आंख में आंसू यार, जेबे में क्या डो रहे हो? क्या बात? क्या बताऊं महामंत्री साहब, बड़ी अफसोस की बात है कि जब बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है तो भाई बहन की खुशी के लिए कुछ न कुछ जरूर देता है। जय तो सही बात, लेकिन ये बदनसीब सलीम के पास आज कुछ नहीं है कि जो इस राखी के एवज में मैं अपनी बहन को कुछ दे सकूं। अरे मेरे भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपका प्यार ही चाहिए भाई। बहन बहन, मैं वादा करता हूँ बहन कि इस राखी की कीमत में बहन मुझसे किसी दिन तुम जो कुछ भी मांगोगी ये सलीम खान भाई तेरा देने के लिए तैयार है। देता हूँ आज वचन, देता हूँ आज वचन, तुझको नहीं भूलूंगा और तेरी रक्षा के लिए अपनी जान दे दूंगा। अच्छी बात है मेरे भाई। पिताजी कहो, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? पिताजी आज मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगी। क्या जंगल में शिकार खेलने जाओगी? हाँ हाँ पिताजी। लेकिन बेटी सावरी, क्या बात, जमाना बहुत खराब है, अगर शिकार खेलने न जाओ तो बहुत अच्छा होगा। नहीं पिताजी, देखो मेरे सहेलियों लोग कहती है, क्यों सावरी बहन तुम घर में बैठे बैठे क्या उबती नहीं हो? चलो मेरे साथ शिकार खेलो, आज मेरा भी दिल कह दिया पिताजी मैं जरूर जाऊँ। बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन जंगल में एक डाकू ज्वाला सिंह है जो भारत वर्ष के कोने कोने में तहलका मचा रखा है, इसलिए न जाओ तो बहुत अच्छा हो। नहीं नहीं पिताजी, मैं जाऊँगी, शाम होते हुए घर चले जाऊंगी। जाओ, अगर तुम्हारी इच्छा है तो जा सकती हो। प्रणाम पिताजी, खुश रहो। जी महाराज जी, कहो। यदि आदेश हो तो राजकुमारी जी के साथ मैं और दरबारी रक्षा के लिए साथ में चला। नहीं नहीं नहीं, वहाँ आप लोगों को जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक तो कह रहे हैं मंत्री जी। नहीं नहीं, क्योंकि मेरी सहेली लोग पूछेगी कौन है, मैं क्या जवाब दूंगी? बता देना कि हमारे महामंत्री हैं। नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, हमारे महामंत्री हैं, उनका बता दी हमारे भाई हैं। नहीं नहीं हाँ, मैं अकेले जाऊंगी। अकेले जाऊं? जी हाँ। राजकुमारी जी आप नहीं समझ रही हैं, अभी आपके अंदर लड़कपन है, वो भी अभन जंगल है। तुम एक लड़की हो, जरा और कुछ ऊंची और नीची बात सोच लिया करो। राज नमस्ते। नमस्ते, हाल रहो, खुशहाल रहो। नमस्ते सलीम खान। हाँ महाराज जी, आज से तुम सेनापति बन गए। जी महाराज। लेकिन आज से तुम्हारी तनख्वाह 300 रुपए माहवार मिलेगी। बड़ी अच्छी बात, खाना और कपड़ा हुकूमत सहन करेगी। मैं तस्लीम करता हूँ महाराज जी। सलीम खान को ले जाओ, रहने के लिए एक कमरा दे दो। ठीक है दरबारी, JT9T1 कमरे में हाँ। मंत्री जी की वर्दी टंगी हुई है। अच्छा। और नलकूप भी लगा हुआ है। अच्छा। साथ बिजली बत्ती पंखे सब लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा, वो कमरा दिखा दो। अच्छी बात है, ठीक है ठीक है। अब तो सलीम तो हार दिन। और सलीम भाई हम लोगों की तरह ईमानदारी से काम करोगे? हम लोग बहुत ईमानदार हैं। अच्छा भैया, तो लगता है कि तुम्हारी वेतन और बढ़ जाएगी। मंत्री साहब, मैं वादा करता हूँ कि मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा, आप कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं पाएंगे मेरी तरफ से। यही उम्मीद रखता हूँ सेनापति जी। हाँ सलीम खान, जाओ स्नान कर लो, खाना खा लो और वर्दी पहनकर ड्यूटी पर तैनात हो जाओ। पिया पिया रोटी क्या पिया रे हो गया दहिया। मतलब वक़्त नीत पीत ले आ गए गोरी।
अरे बेटे वाके गाए मोर के तो पिराना ख्याल करो तीन रोज सोता ही रह जाए कह दे ए, हाँ। अरे जब कटहर के कौआ तू खैला अरे जब कटहर के कौआ तू खैला अब मोटका मुंगा वो वक्त करीब आ गया कौन जिस वक्त का इंतजार था अब लोहा गरम है लोहा गरम है हथौड़ा क्यों ना मार दिया जाए ये बात हम पावा नहीं अबे तुम नहीं समझता है नहीं हम तुझे को बताएंगे देख राज कुमारी जी इस वक्त जंगलात में शिकार खेलने के लिए गई हैं और मौका अच्छा है हम लोग अपना भेष बदल लें भेष बदलने के बाद खुद भी अपन जंगल में चलकर राजकुमारी से मोहब्बत भरी बात किया जाएगा लेकिन एक बात ही बतावा वो कौन बात हम कल लिया जिन चल आए हमको तो पहचान दे जो टिकवा लगा दे बा ओ भाई गॉड मामला तब तो तुम्हारी किस्मत और बिल्कुल बुलंदी पर है कैसे? अब तो तुम्हें फर्स्ट क्लास की रुमाल भी मिलेगी और क्या मिले जूता मोजा भी मिलेगा पैंट मिले हमका पैंट जूता मोजा देवा लगाए तो लिए मस्तक पर बहन का टीका हर थले राखी नहीं बंधवाए बात बा मीठा खियाए आओ टीका लगाए जना आधी बहन भाई आधी नाय भाई हम अधुन मानब जैसे लाल बैठे वैसे करब हम समझ गया था लेकिन तुम लाल लच्छी पंडित हो चलो हम लगा पोस्ट डाल चल अपने चेहरे पर नकाब डाल लिया जाए जिससे कि राजकुमारी पहचान ना सके चलो और एक काम करो क्या बंदूक गोलियां राइफल बेल्ट कारतूस ले लो बिल्कुल ठीक चल खेल में तो मदद अब आएगा आवे अरे
जब से हो गए ना तो उनकी कोई चिट्ठी आई ना तो पता चल रहा है कहाँ है कहाँ नहीं। क्या बात है भाभी, क्या सोच रही हो? यही सोच रही हूँ देवर, जब से हो तुम्हारे भैया गए ना तो कोई उनकी चिट्ठी आई ना तो पता चल रहा है कहाँ है कहाँ नहीं। भाभी यही चिंता तो मुझे रातों दिन लगी रहती है कि भैया जब से गए हैं ना तो कोई पत्र ही भेजे हैं ना तो कोई उनका संदेशा आया, पता नहीं उनकी नौकरी कहीं पर लगी या नहीं। इसी चिंता में हमेशा डूबा रहता हूँ। मालिक जिस मेरे भाई को जहाँ भी रखना सही सलामत रखना। पहुंचाता मैं तो कहला से हूँ माता लीजे जान 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 लीजे जान 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 लीजे जान 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 मैं तो कहला से अरे भाई ये किसका मकान है, कोई है यहाँ पर? कौन है भैया? कौन हूँ मेरे भाई? हाँ माही बे, कहाँ पर हो? धोखा दिखा लो, नहीं दिखा बे। नहीं मेरे भाई, मुझे कुछ नहीं दिखलाई दे रहा है। तो नहीं दिखा लो, कहाँ कर बे, हमारे अंगूरी में आंखें पहले बे। अरे मेरी माई हो, अब तो आना रहा कहाँ था रे? हाँ मेरे भाई। तोर का नाम बा? मेरा नाम श्याम है। तोरे भैया का नाम बा? मेरे भैया का नाम सलीम है। तेरे नाम से पैसा आया है क्या? का कहा भैया, पैसा? हाँ। कितना भाई साहब? हम ना दे सरऊ, हमारा बीमारा खोज खाज दे। मोर भैया है बतावा, कितना पैसा भेजे है भैया? देखा सारे खूब चेरा भी कर, का करे बेचारा देखे सुना। तो कैसे तू किन बे ब्या भाई साहब? टोई की किन ले? चला सारे गिना देखी, देखी सरगन है हल्ला 10 रुपया। हाँ भाई साहब, ना सही झूठ बोलता है। अरे 5 रुपया दे के 10 रुपया बतावत बाते। आई बतावा कही गया सारे झूठ, ये बतावा ये तो 10 के आते का भाई साहब? कैसे जानता है? यह देखा तनिक बड़ी बा ना पाथल, हम जान गए सारे तू बिन ले बे। रोका वो ही बहुत बढ़िया बोले कि 3 रुपया बा जाना हल, वो 15 रुपया बा जाना आई 3 से ही बात है। हाँ अच्छा भैया। हाँ एक दिन का अपन लाई लिया भला, 15 रुपया कस देता है भैया। बयानो है ना कहा जरा हम ना ठीक कर दे, हम बयाना के सब को दे दिया आनर ढोनर बाटी थी यार, तो सारा बयान दे तो सारे हमारे घर में। नहीं मतलब हमारी कहे कि 300 रुपये भेजे हैं। हाँ तो 15 का साटे भैया हमारे अपनी बात भाई। अच्छा भाई साहब, भाई पूछे तो ही नाराज जी हुआ, मतलब तोरे अनहरे में दया आ रहा। हेलो सनीचर का, सनीचर का हो भाई साहब? हाँ सनीचर का हथिन हो गए हम कम पढ़ाई हम। हले कैसे कैसे कौनी करी भाई साहब? कौनी घर ले हल थामा कलम खोल देते करी भाई। खोल दे तब कर बे, वो तो बहुत टोय टोय काम कर। और ना खोलबे तो फिर खोल टोवे की परी है अति बात बा, टोय के तब खोलबे। अयो का भाई साहब, टोइन के तो आजकल हमार मतलब कुल कम हो ही चलता सब दिन ही। खैर आना साथ टोय टोय काम करते हैं। थाम हले कलम आई कि नहीं भाई साहब? हाँ हले थाम कलमिया हमारे आए लेकिन स्याही फेंकत भाई। करे सारे कलम बा लेकिन स्याही फेंकत, जल्दी कर रहे हमारे कलम के लिए। बस 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 बस
अब जाता ही जाता है का भैया? आऊ फिर तोरे भैया पैसा वैसा भेजिए फिर आऊ। ऐसे न है भाई साहेब, अगर आवई को होई तू है 14 तारीख के चला आया। कौन 14 तारीख बे? 14 जनवरी का जब खिचड़ी हो था। देख लो भाई आटा हिंदू इसार त्योहार और जाना तो हिंदू आना हमका साथ खिचड़ी के बुलाओ। भैया हमार बतिया नहीं समझे? नहीं ऐसा नहीं भाई साहेब, गरीब आदमी है यही। हाँ हाँ त्योहार दिन हाँ। अगर भैया पैसा भेजी त्योहार दिन चला हो गया हाँ। हमार लोग को त्योहारों भेज जाए तोहरों खातिर व्यवहार कर भाई साहेब। आई जावा त्योहार बढ़कर ही रख भाई। अबे साले ते हमार बढ़कर ही रख भे मतलब त्योहार बढ़ाई कर भाई साहेब। हम बड़कई कर भाई। अच्छा सर हमार बड़कई रखी ही सर क्या कही हारे हम ऊपर गए तुम्हार पैसा लेके दूसर के हुआ है मोर भैया है वाक हमार खोज दिया दूसरे हमार बड़कई रखे बस रहू। लेकिन देवर भौजी एक बात तो भूल गए। क्या बात भाभी? अपने भैया का पता नहीं पूछा। हाँ भाभी जी इतनी गलती तो हुई कि भैया जी का कोई पता नहीं पूछा। खैर छोड़ो भाभी, अगर आपकी बार पैसा आएगा तो जरूर उनका पता पूछेंगे। ये लो पैसे गिन लो, देखो पूरे हैं कि नहीं भाभी। कहो सामना आज तो बहुत नोट गिर रहे हो। हाँ सर जी। कहाँ पाया? उनका पहला मनी ऑर्डर है। क्या सलीम भेजा है? हाँ। कितना भेजा है? 300 रुपया। हाँ तो लाओ लाओ, रुपया खाते में जमा कर लेता हूँ। लाओ 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 दो। हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।